हम दोनों का फेस देख देख के पक चुके हैं हम आप लोग तो हम लोग इसीलिए हम लोग लाए हैं एक नया फेस। तो मुझे भी कुछ उतना हाँ यार ये जीभ बाहर निकाल रहा है यार। क्या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दबा है इसको? ना 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 पक्का? हाँ दबा के देखते हैं ना कुछ तो नहीं होगा शायद। हेलो एनएसएम, तो कैसे हो आप सब? आई नो अभी आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए हो क्योंकि इसका फेस देख देख के आप लोग थक चुके होंगे, इसलिए हैंडसम सीटू आ गया आपकी खिदमत में। आज आपको मेरा भी फेस नहीं देखना पड़ेगा, इसका फेस भी देखना नहीं पड़ेगा। हमने ना 5,000 रुपया खर्चा करके एक नया फेस खरीदा है। कुछ भी हाँ, क्योंकि चैनल में हम दोनों का फेस देख देख के पक चुके हैं हम आप लोग, तो इसीलिए हम लोग लाए हैं एक नया फेस दिखा दे। जिसका दाम है 5,000। सो गाइस, आज का पूरा वीडियो बनने वाला है इस फेस मास्क को लेके, है ना? हाँ जी, इसमें मैंने, मेरे को पता नहीं ये बोल रही है कि इसमें तुम गोरा हो जाओगे, हैंडसम हो जाएगा और ज्यादा। मैं हैंडसम हूँ ऑलरेडी। बहुत कुछ हो सकता है गाइस इस फेस मास्क के साथ, इसीलिए इसका प्राइस है 5,000। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस चालू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। चालू करें? लेकिन तुम्हारा इतना ग्लो क्यों कर रहा है फिर, समझ नहीं आ रहा है। सच में? हाँ बताती हूँ। तो गाइस मॉनसून में मेरे स्किन केयर रूटीन में मैंने कुछ नया यूज किया है जो मेरे स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है, साथ ही में पिंपल्स एंड एक्नेस पे भी काफी असरदार साबित हुआ। ये रहे वो नया फेस पैक्स जो कि बहुत ही ज्यादा असरदार रिजल्ट्स दिखाते हैं। मेरे पास है नया लोटस फेस पैक एंड ऑर्गेनिक तुलसी लीव्स फेस पैक। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ नया लोटस फेस पैक। गाइस इस पैकेजिंग के अंदर आपको एक वुडन स्पून मिलता है जो कि बहुत ईजी रहता है, एक ब्रश मिलता है, एक हेयर कैप टाइप का मिलता है शावर कैप, एंड साथ ही में प्लास्टिक के ग्लव्स में मिलते हैं। तो आपको एकदम प्रोफेशनल सेटअप मिल जाता है पूरा का पूरा। एंड इस प्लास्टिक के पैकेजिंग के अंदर रहता है हमारा फेस पैक। एंड इसको थोड़ा सा मैंने स्पून से निकाल लिया एंड पानी से मिक्स कर लिया, और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड देन मैंने ब्रश के साथ फुल फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। एंड ये था लोटस फेस पैक। गाइज ये लोटस फेस पैक ना एंटी एजिंग है, टैन को रिमूव करता है, अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, एंड एक्ने पिंपल्स को भी कम करके स्किन को एकदम स्मूथ बनाता है। साथ ही में ना ये स्किन को टोन भी करता है, तो एकदम आपके स्किन के लिए परफेक्ट है एंड कोई भी स्किन टाइप में चला जाता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। तो मैं इसको थोड़ी देर रख के वॉश कर लूंगी एंड नाउ आप मेरा स्किन तो देख ही सकते हो यार, कितना ज्यादा ग्लोइंग लग रहा है ना। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेक कर लेना। गाइज मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है, बट ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों में ही अवेलेबल है। So guys, let's get started now. तो चलो ये जो हमारा फेस मास्क है, सबसे पहले इसका नाम बता देती हूँ। नाम ये इसका पैकेजिंग तो दिखाओ, किस पैकेजिंग में आया था। मनहूस लग रहे हो। पैकेजिंग में क्या होता है? कपबोर्ड होता है, पैकेज होता है। ये जो बॉक्स है इसी के अंदर ऐसे ही आया है, कुछ भी बबल रैपिंग वगैरह कुछ नहीं था। और गाइज ये जो है ये फेस का पार्ट है, देख सकते हो आप, इसके पीछे लगा हुआ है एक ऐसा इलास्टिक टाइप का जिसके साथ आप अपने फेस में टाइट कर सकते हो। हाँ, हाँ। और साथ ही में दो आंखें हैं जिसमें उंगली घुस जाता है, एक नाके है जिसमें तुम सांस ले पाओगे, एक मुंह है जिसमें तुम थूक पाओगे। थूक पाओगे? हाँ थूक ऐसे कर पाओगे। कौन यार? और इसका पीछे कुछ नुकीला जैसे कुछ दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये नुकीला नहीं है। क्या है ये? कुछ तो है यार, पता नहीं ये वाइब्रेट वाइब्रेट होगा क्या? खुला जा सकता है इसे, फेस हाँ, ये खोल सकते हो आप, लगा भी सकते हो यार। अगर वाइब्रेट हो फेस में कितना अच्छा लगेगा ना। आई डोंट थिंक वाइब्रेट होगा, मतलब ये करंट से चलता है। अगर हम लोग मर गए तो हम लोगों का इंश्योरेंस क्या हुआ नहीं है, तो देख लेना। हाँ यार फेस पे करंट वाला चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं लगाई हूँ। और साथ में एक रिमोट भी मिलता है आपको, देखो रिमोट कंट्रोल के साथ, और एक चार्जर टाइप का चीज आया है। इसमें करंट देना होगा जिसमें पता नहीं कितना वाट का करंट है। डर लग रहा है, मेरे से कम वाट का ही होगा, मेरा वोल्टेज ज्यादा है। लग गए 440 वोल्ट छूने से दर। ऑन करो, ऑन करते हैं गाइस, पता नहीं भगवान का नाम लेके एकदम ऑन करेंगे। प्लीज ठीक से चलना, प्लीज ठीक से चलना। तो पहले इसको करंट में स्विच दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है? अभी इसमें घुसाएंगे, ठीक है? रेडी बस आपको आई थिंक ये वो हाथ में दिखा, वो हाथ ये देखो, ये देखो। रेडी 3, 2, 1 रेडी। कुछ आवाज हुआ ये देखो गाइस। सो
जैसे कि आपने देखा कि इसमें एक लाइट जल रहा है और ये 30 दिखा रहा है, 30 क्यों? तुम्हारा एज है क्या 30? तुम्हारा एज है पागल, मैं तो 18 प्लस हूँ। एक चीज बताऊँ, इसका नाम लिखा हुआ है फेशियल व्हाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब फेस को व्हाइट बनाने का। सो पता नहीं ये सच में व्हाइट कर देता है या जला के पूरा काला कर देता है, डोंट नो। तो चलो देख लेते हैं का सच में काम करता है या फिर वो नहीं। देखो देखो पहले रिमोट से इसको लाइट तो जलाओ, लाइट जलेगा इसमें, एलईडी है। देखो गाइस इसके पीछे बहुत सारा एलईडी है। नहीं अब जल रहा है, जल गया। दिखाओ 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 गाइस, जल गया है देखो। और कलर चेंज भी होता है, हमको तो लगता है बचपन वाला जो खिलौना नहीं होता है लाइट वाला कुछ भी ऐसे टाइप का लग रहा है। देखो देखो यार कितना अच्छा कलर निकल रहा है, पर है ना वो ब्लिंक भी कर रहा है, फ्लिकर क्लिक करने पे ब्लिंक कर रहा है। लेकिन एक कैसे होगा, एक कलर में सब कुछ हो जाएगा? हाँ ये मैं बताती हूँ आपको कि ये कलर में क्या क्या होता है। रेड है ना, तो रेड से होता है स्किन व्हाइटनिंग एंड स्किन फर्मिंग, मतलब स्किन व्हाइट बनाता है रेड और स्किन को फर्म टाइट भी बनाता है। अच्छा नेक्स्ट है ये ग्रीन, ग्रीन ग्रीन से होता है ऑयल सिक्रेशन, हमारा स्किन का जो ऑयलीनेस होता है वो कम होता है। अच्छा ओके नेक्स्ट ये वाला ब्लू, ब्लू से भी व्हाइटनिंग एंड स्किन फॉर्मिंग ही होता है। ओके तो फिर दो कलर देने का क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्च करने का का है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये वाला क्या कलर? अच्छा ये वाला येलो है। हाँ, येलो ना रेडनेस को कम करता है। रेडनेस मतलब? मतलब हमारा स्किन कभी कभी होता है ना कि रेड हो जाता है सन से या फिर कुछ भी चीज से लाल हो जाता है, तो लाल जो होता है स्किन उसको कम करता है। नेक्स्ट ये वाला, ये भी ब्लू है, ये लाइट ब्लू है। हाँ। ये ना पोर्स का जो साइज होता है उसको कम कराता है। ओके ओके नेक्स्ट ये वाला क्या? पर्पल है, पर्पल हमारा जो नया सेल स्किन में जो सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स, नया स्किन सेल्स बनाता है ये। आई पर्पल यू, नेक्स्ट आई पर्पल यू टू। आई थिंक कि यही वाला सियान, सियान गाइस मुझे ये कलर का नाम नहीं पता, सियान कलर या सियान, सियान ब्लू टाइप का ही होगा, सियान ब्लू आई गेस इसी को बोलते होगे, तो सियान कलर बोल रहा है। तो इससे ना टिश्यू का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। टिश्यू मतलब स्किन, स्किन का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो सबसे पहले हमको स्किन में लगाना है कोई भी आप मॉइस्चराइजर या जो भी चीज आप यूज करते हो आपके स्किन पे सूट करता है वो लगाना है। हमको तो, भी लगाना है या तुम? दोनों लगाएंगे। पहले तुम देखो, अगर तुम बच गए तो हम लगाएंगे। नहीं पहले तुम देखो। बहन डर गई, बहन डर गई। ठीक है चलो तुम देखो। ओके तो पूरा क्लीन फेस होना चाहिए एंड थोड़ा सा आप ना, मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप कोई मॉइस्चराइजर वगैरह भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल एलोवेरा जेल लगाऊंगी। ये सब लड़की को चीज, तुम भी लगाओ। हमको क्यों बिठा दिया? अरे हो भी सकता है ना कि लड़कों पे ज्यादा काम करे ये। मैंने लगा लिया ऑलरेडी, मेरा हो गया, मेरा भी हो गया, हो गया। अब क्या करना है? अब इसको मैं लगाती हूँ, पहले मैं लगाऊं? पहले तुम लगाओ। हाँ क्या बोलो, तुमको क्या करना है पहले? सबसे पहले मुझको ये पहनना पड़ेगा ना। हाँ टाइट है देखो। हाँ ढीला है थोड़ा, लग रहा है गाइस थोड़ा सा लग रहा है, पूरा व्हाइट व्हाइट पूरा एकदम भूतनी लग रही है तुम। अच्छा अभी कलर क्या कर रहे हो बताओ? कलर मैं रेड करना चाहती हूँ। रेड? ओह लग रहा है मेरे फेस पे। पर कैसे फील हो रहा है? लग रहा है, वो जो नोकीला नोकीला था ना वो लग रहा है। बहुत अनकंफर्टेबल है क्या? बहुत। तो और ये जो लाइट है ना गाइस, ये आपके आंखों पे नहीं आएगा, अंदर में तो जल रहा है। हाँ। बट आंखों नहीं, समझ में आ रहा है क्या, बाहर से की लाइट जल रहा है थोड़ा बहुत बोले। ओह लग रहा है मुझे फेस पे, अभी निशान पड़ जाएगा लग रहा है। आह गाइस मेरे से नहीं रहा, नहीं जा रहा है यार। अच्छा, हम कोशिश करें? मैं बिल्कुल दर्दनाक वाला हुआ ये मेरा। मैं कोशिश करूं? हाँ, ये जगह मेरा दर्द हो गया पूरा। कितना टाइम देना पड़ता है? मिनिमम तो 15 मिनट के लिए। अरे बाप रे, तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। किस चूत ने बनाया है इसको? गाइस इससे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं इस जगह पे जहाँ पे भी वो अंदर वाला ग्रिप वाला चीज है ना, इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये है रेड, ठीक है अभी। हाँ। कलर चेंज करते हैं। हाँ। कितना टाइम रखना पड़ता है पता नहीं, ठीक है हम सब कुछ करके एक बार देख लेते हैं। ये है ग्रीन, ग्रीन ये है ब्लू, ब्लू ये है येलो, येलो ये लाइट ब्लू, पिंक पर्पल, और ये वाला है सियान ब्लू। फिर से लाइट, सो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक ही चीज समझ में आ रहा है कि दर्द हो रहा है। ये जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये मैं निकाल दूं? निकाल के एक बार ट्राई करूं? करो निकाल दो। हाँ। पूरा ही खुल गया। हाँ।
लग रहा है बच्चों का खिलौना ज्यादा लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं ये काम कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन रेटिंग क्योंकि तो बहुत सारा फेशियल्स जो देते हैं ना लोग उस पे भी यूज करते ही है। अरे भाई साहब ये कितना अनकंफर्टेबल है यार। सो गाइस ये आप देख सकते हो अभी कलर खुद ब खुद चेंज हो रहा है क्योंकि ऐसा भी सेटिंग किया जा सकता है रिमोट में। क्या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दबाए इसको? ना 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 पक्का? हाँ दबा के देखते हैं ना, कुछ तो नहीं होगा शायद। मेरे सर में भी ना कुछ सेंसेशन टाइप का हो रहा है। कुछ हो रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है कि दिमाग के अंदर ना, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ ना वाइब्रेशन टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बट कुछ लग रहा है मुझे। एंड गाइस मैं आपको बताती हूँ अगर आपको इसको कंफर्टेबल रखना है, इसको ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। अरे यार ये तो बहुत ब्राइट हो गया। सो गाइस ये जो अभी है ना ये आपके आंखों पे नहीं लगता है, नंबर वन बात ये है। और अगर आप इसको ऐसे पकड़ के नहीं रहोगे तो बहुत दर्द होगा। कुछ इफेक्ट हुआ देखो खोल के? कुछ हुआ मतलब इसका कोई रिजल्ट तो होगा ना या ऐसे ही? नहीं एक काम करो तुम ना रेड कलर का लाइट दबाओ और रेड कलर में मैं 10 मिनट तक मैं ट्राई करूंगी गाइस एंड देन देखेंगे कि कुछ रिजल्ट होता है या नहीं। हो गया ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गया है। खोल कर अरे यार अरे सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। तो एक काम करो तुम ये नीचे से ऐसे पकड़ के रखो तब उतना दर्द नहीं होगा। तुम रेड गए ना हम थोड़ा दूसरा कलर करके देखते हैं। हाँ दूसरा कलर। व्हाइटनिंग किसमें होता है? रेड में भी होता है ब्लू में भी होता है। ब्लू ये ब्लू है क्या? ये ग्रीन है। ये ब्लू है क्या? ये ग्रीन है। ये भी ग्रीन है। ये ब्लू है। हाँ ये ब्लू है। इसमें व्हाइटनिंग ज्यादा होता है ना? व्हाइटनिंग ज्यादा होता है। तुम नीचे से जोर से पकड़ के रखो तब ज्यादा दर्द नहीं होगा शायद, मतलब थोड़ा हाथ में रखो इसका पावर हाथ में रखो। ठीक है चलो। तो मुझे भी कुछ उतना। हाँ यार ये जीभ बाहर निकाल रहा है, यार ये जीभ भी बाहर निकाल रहा है देखो ये रोबोट के मुंह से। ये कुछ काम का है ही नहीं, फालतू का भाई। What? ये फालतू चीज है, पैसा बर्बाद बहन। 5,000 बर्बाद? मुझे लगता है अगर आप कोई रिनाउंड पर्सन से इसको खरीदोगे, कोई अच्छा वाला स्टोर से या कुछ और से, तो हो सकता है कि अच्छा भी मिलता होगा। बट ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया तो हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया हमको, पता नहीं। लेकिन कुछ फील नहीं हुआ कि होता है ना जब कुछ अजीब या कुछ चेंजेस, कोई चेंज दिख रहा है मेरे को एकदम भी नहीं। बदसूरत हो नहीं नहीं अगर आप ऐसे लाइट को मारोगे दूर से तो आपको एकदम नील नील नीला नीला फेस दिखेगा। कलर भी चेंज कर सकते हो, दिखाओ। हाँ देखो अभी पीला है। ऐसे खेलते रहो। ऐसे ऐसे अगर आप स्किन का कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट वैसे स्किन का कोई व्हाइट हो जाता है, स्किन ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं 10 में से इस प्रोडक्ट को देना चाहूंगी 1। तुम कितना दोगे? हम तो -12 -10। तो मैं इसको 10 में से 1 देना चाहूंगी, इससे ज्यादा तो बिल्कुल। गलती से भी मत खरीदना, गलती से भी नहीं। हो सकता है कि मैं अगर रिटर्न किया जाए, आई डोंट नो इसको रिटर्न कर सकते हैं या नहीं, अगर रिटर्न किया जाए तो मैं रिटर्न कर दूंगी उसको। कोई काम का ही नहीं, खाली बुड़बक बना रहा है। बट शायद रिटर्न भी नहीं कर सकते, नॉन रिटर्नेबल आइटम था। बट ठीक है कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों ने मुझे बोला ये ट्राई करने के लिए इसलिए हमने ये ट्राई कर लिया। मैंने भी ट्राई कर लिया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसने भी ट्राई किया, इसको भी अच्छा नहीं लगा, बेकार है, फेंक दो। 5,000 का बिल्कुल चूना लग गया, सत्यानाश मेरा चूना। 5,000 का इसका कलर भी चूना जैसा ही है ये। सिर्फ अगर आप रोबोट 3 बनाना चाहते हो मूवी का सिक्वल तो आप ये मास्क की तरह यूज कर सकते हो, और अगर आपको चोरी वोरी करना है तब भी ये मास्क पहन के जाके चोरी वोरी करके आ सकते हो। चोर को दे देंगे किसी, ठीक है, कोई अगर चोरी डकैती करने जाए तो ये पहन के जा सकता है, बट मुझे पसंद नहीं आया। तो या गाइस आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना कौन सा पीस ट्राई करूं नेक्स्ट, मैं वही ट्राई करूंगी पक्का एकदम। तो आती हूँ आपसे मिलने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू। और हाँ गाइस अगर आपने कभी भी ये वाला प्रोडक्ट यूज किया है तो बताओ कैसा होता है, ठीक है।